नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन वर्मा और एक बार फिर से जुड़े हो आप न्यूज 24x7 आवाज आपके साथ। आज सुबह 6 बजे से लेके अभी तक का जो माहौल चला है वो भारत बंद का माहौल चला है। अभी आप इन सुनसान सड़कों को देख सकते हो। हम कुछ ही पलों में उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां किसानों ने सुबह से मोर्चा लगाया हुआ था। तो अब से लेके सुबह तक के बीच के जो भी रुझान रहे वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। मेरे ठीक थोड़ा सा आगे चल के जो है वो मिनी सेक्ट्रेट हिसार का इलाका आता है, लघु सचिवालय का, जहाँ बिल्कुल हाईवे पे एक जाम जो है वो लगाया हुआ था। अभी जैसे कि सिर्फ गिनती के 10 या 15 मिनट बचे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा था, तो उसका अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम ये कि आज 4 बजे तक जो है वो भारत को बंद रखा जाएगा। वहाँ थोड़ी दूर जो भीड़ आप लोग देख सकते हैं, मैं बस कुछ ही पलों में आपको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। जो आज किसानों ने मोर्चा निकाला है, जो किसानों ने भारत बंद किया है, इस भारत बंद का जो असर है वो कितना रहा है वो हम लोग देखेंगे। बिल्कुल बस हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां किसानों ने अपना मोर्चा लगा रखा है। आप लोग जुड़े हैं न्यूज़ 24x7 की टीम के साथ जो आपको लाइव अपडेट दे रही है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी कुछ ही पल बचे हैं, अभी जो है कुछ ही पल बचे हैं। अब जो किसान जो है इन्होंने पूरी तरीके से रास्ते को जो क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। यहाँ लगा दे बेटा, वहाँ लगा दे। तो ये न्यूज़ 24x7 की जो टीम आप लोगों के साथ उस जगह पे पहुँच चुकी है, ये लघु सचिवालय के पास का इलाका जहाँ किसानों ने मोर्चा लगा रखा है सुबह से। और ये यहाँ से लेके अभी तक किसी को भी आने जाने जो है नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने जो भी लोग आ रहे हैं उनको वापस जो है यहाँ से भेजा जा रहा है। आप लोग जुड़े हैं न्यूज़ 24x7 की टीम के साथ जो आपको अपडेट दे रही है किसान आंदोलन की। जी हाँ, किसान आंदोलन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। और बज चुके हैं लगभग 4 के आसपास का वक्त है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ इन लोगों ने सुबह शुरुआत की थी उसी शिद्दत के साथ जो है इन लोगों ने भारत बंद के इस को आह्वान कर रखा है। अभी न्यूज़ 24x7 आवाज आपकी के साथ आप लोग जुड़े हैं। सुबह से जो है किसान यहाँ बैठे हैं। अब जो लाइव तस्वीरें हैं यहाँ की मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बेटा क्या हूँ सर, न्यूज़ 24x7 आवाज आपकी तरफ से मैं किशन वर्मा आप लोगों के साथ जो लाइव अपडेट दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जो अभी लोग आ रहे हैं इन्हें वापिस यहीं से जो है वो भेजा जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं सड़क जो है वो लग रही है, युवा जो है उसी जोश के साथ लोगों को फिर से वापिस भेजने के लिए वो लोग आज भारत बंद का है वो आ चुका है। उसी पलों बाद ऐसा है कि 4 बजे तक का जो है आह्वान रखा गया है संयुक्त किसान मोर्चा की जो अगली अपडेट है उसके बाद जो है सही मायने में पता चलेगा। हमारे साथ अभी कुछ साथी जुड़े हैं। नमस्कार जी, तो क्या लगता है कि यहाँ से भारत बंद रहा उसका क्या असर देखने को मिलेगा? अरे नहीं आ गया मैं तो आज जो पूरा रहा है अगर पूरे भारत का देखा जाए तो शांतिप्रिय रहा सारा। और प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात जो हो तो आज के इस आंदोलन में प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया है किसान भाइयों का। और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो आह्वान किया था और अभी 4 बजे में कुछ ही पल बाद उसी शिद्दत के साथ उसी जोश के साथ जो है अभी इस बंद को जारी रखा गया है। आगे की अपडेट जो हम लोग यहाँ किसान भाई बैठे इनसे लेंगे। तो ये आगे ये युवा शक्ति जो है ये पूरे बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में जो है भाग ले रही है। तो क्या लगता है कि युवाओं का कितना जो है योगदान रहा है? युवा जितने खेल रहोगे भाई उतना साथ रहूंगा। ये हमारे सारे पूर्वज, हमारे सारे बुढ़े दादा सारे लाग रहे हैं तो हमें भी लाग रहे हैं। बने भाई हम हाथ देवे है, हम पीछे खड़े हाथ देवे वे नहीं होगा। कोई आंदोलन को जो युवा वो
आगे लेके चल रही है। किसान एकता जिंदाबाद के जो है वो यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। ये आप जो इलाका देख रहे हो नई सचिवालय के पास का इलाका। हमारे साथ किसान जो है साथी वो जुड़े हैं, जो आपको बताएंगे कि आज का जो भारत बंद का आह्वान था इसमें क्या रुझान रहा, किसानों का क्या सहयोग रहा, जनता का और क्या सहयोग रहा। बहुत सुना पाटर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नड़िया कसपुत के पता से लेकर आसाम के जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से बंद। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश के 135 करोड़ जनता का जिन्होंने चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा उद्योगपति है, चाहे कोई प्राइवेट धंधा करने वाला है, चाहे दुकानदार है, जिस भी प्रकार का धंधा कर, चाहे वो सब्जी रेहड़ी वाला, जिन लोगों ने देश की जनता ने इस बंद में जो सहयोग किया है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी रनी रहेंगे और उस बंद को कामयाब किया। और विशेषकर मैं नौजवानों आज इस बंद को पूरा ऐतिहासिक बंद बनाया और इस बंद के अंदर दुनिया की निगाहें हैं, ये दुनिया की राजनीति दशा बदलेगा। आज का ये आंदोलन हिंदुस्तान और हरियाणा और हिसार की दुनिया की दशाओं की दशा बदलेगा। आज अमेरिका जय जवान, जय किसान, जय किसान एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुराष्ट्रीय कंपनी को मरोड़ा ला गया, हिंदुस्तान का वो जो श्रम कानून ही लेने जा रहे थे, जो आठ घंटे की आज इस पंचम को ये पता चल गया कि मैं तो अडानी अंबानी को, मैं बहुराष्ट्रीय कंपनी को किसानों की जमीन लेने देंगे, न आठ घंटे से 12 घंटे का लेबर कानून करने देंगे, मैं बिजली विधेयक 2021 पास होने रोजगार देना पड़ेगा नौजवान को, भूखमरी का निदान करना पड़ेगा। आने वाला शासक भी सोचेगा कि मैं वादा करूँ क्या करूँ, ये नहीं कि 15 लाख दूंगा वो बखत जा लिया, ये नहीं कि मैं नौजवानों को मैं 2 करोड़ का रोजगार दूंगा। मेरा ये चुनावी जुमला था, आज चुनावी जुमला उसकी मौत का फास बन कर रह चुका है। जिस इंसान ने जिस राजनीतिक पार्टी ने जुमले किए थे, आज उनको पूछो देश और प्रदेश के अंदर उनको कोई एंट्री नहीं करी। पूछो किसानों की लड़ाई थी, किसान की लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन चुकी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो पूरी दुनिया के सामने अपनी एक मिसाल है, ये युवा शक्ति आज पूरे जोश के साथ उस प्रशासन को, उस समाज को एक परिवर्तन लाने के लिए, क्रांति के लिए आसन को देखा चुकी है। क्या लगता है कि युवा शक्ति जो है वो क्या बदलाव लेगा, युवा शक्ति पूरा बदलाव लेकर आएगी इस किसान आंदोलन के अंदर, क्योंकि आज पूरा भारत बंद है, इसके अंदर 70-80% युवा बैठे हैं। हमारे दादा दादी ने, हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पे भेजा ताकि जो बोर होने लगते हैं कल को हमें ना रोना पड़े। हम यह आंदोलन लेकर रहेंगे, कैसे भी मिले, चाहे रो के मिले, तब के मिले, जाके हमें मर के मिले, कुकरे मिले, यह आंदोलन लेकर रहेंगे। जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता, News 24x7 की टीम आप सभी से ये अपील कर रही है कि ये जो किसान आंदोलन है, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, एक जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई में दिल से सहयोग कीजिए। किसान भाइयों का जो अपना सब कुछ निछावर करके इस देश को आगे चलाने के लिए लड़ते हैं, अपना पेट चीर कर पूरे देश का पेट भरते हैं। मैं किशन वर्मा News 24x7 के साथ पल पल की अपडेट लेता हुआ आप लोग बिल्कुल अभी आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो काफी जो है संख्या में खड़े हैं, क्योंकि जो 4 बजे तक का संयुक्त किसान मोर्चा जो था उसका 4 बजे तक का ये अल्टीमेटम था कि 4 बजे तक भारत को बंद रखा जाएगा। अभी जो लोग यहाँ पे खड़े ये जाम की जो स्थिति है, ये जाम की स्थिति इस तरीके से बन चुकी है कि जो लोग हैं वो घरों से निकले हैं ये सोचने के कि अब जो है शायद ये आंदोलन थोड़ा बहुत ढीला पड़ चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ ये लोग
सुबह से इस आंदोलन को राह दिखाने के लिए लगे हुए हैं। उसी कड़ी के अंदर ये पीछे जो लोगों की दूर तक भीड़ है, शायद इस आदेश में कि कहीं ना कहीं अब जो है वो जाम थोड़ा सा ढीला हो गया होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो भीड़ है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। और जो किसान हैं इनसे अपील की जा रही है कि रास्ता दे दिया जाए, पर चूंकि 4 बजे तक का जो अल्टीमेटम था कि 4 बजे तक जो है वो रास्ता रोका जाएगा, हालांकि अपील की जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही है, कहा जा रहा है कि जाने का रास्ता दे दिया जाए, पर शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि 4 बजे तक का अल्टीमेटम था। और ये भी कहा गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का अगर कोई और अल्टीमेटम आता है और उनकी कोई भी आदेश आता है, उस आदेश के बाद अगर ये आता है कि इस जाम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, इस बंद को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है। आप लोग जुड़े हैं News 24x7 आवाज़ आपकी के साथ और आप देख सकते हैं कि इस किसान आंदोलन भारत बंद की जो लाइव अपडेट है कि लोग कोशिशें कर रहे हैं जाने की, लोग सोच रहे हैं कि उनको रास्ता मिल जाए और इन्हें किसान जो है, जो युवा शक्ति है, वो इनको वापस भेजने की जो है वो कोशिश कर रही है कि ये लोग यहाँ से वापस हो जाए। पर सभी को उम्मीद है कि बस अब चंद घड़ी बाद, कुछ पल के बाद जो ये 4 बजे का जो है अल्टीमेटम जो है वो बंद होने वाला है, इसके बाद जो है इन्हें जाने का रास्ता दे दिया जाएगा। इसी उम्मीद में जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, उम्मीद है कि शायद इनको रास्ता दे दिया जाए। News 24x7 आवाज़ आपके साथ, मैं किशन वर्मा। अभी यहाँ थोड़ी दूर जो है किसानों का एक और जो अड्डा है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको यहाँ पीछे तक की मैं जो भीड़ है मैं वो दिखा देता हूँ कि लोग जो है बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही पलों में इन्हें जो जाने का है जो मौका मिल जाए। आम जनता जो है वो कितनी परेशान है। नमस्कार जी, आपको क्या लगता है कि आम जनता कितनी परेशान है? बस कुछ ज्यादा परेशान नहीं है, किसानों का साथ हमें देना चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते आपको किसानों का साथ देना चाहिए, यही कहना है हर एक आदमी का, लेकिन सबकी सोच है, कुछ परेशानियां है और ये लोग किसानों के साथ कितने हैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, कह पाना शायद थोड़ा सा जो है मुश्किल है। पर हर कोई वर्ग जो कहा जा रहा है कि किसान वर्ग के साथ आज हर एक वर्ग जो है वो जुड़ चुका है, हर एक वर्ग जो है किसानों का बढ़ चढ़ कर जो है वो साथ दे रहा है। यहाँ पे जो एक लंबी लाइन जो है वो आप देख सकते हैं और ये जो लाइन है वो ये बता रही है कि बस अब 4 बजने वाले हैं और शायद लोगों को रास्ता मिल जाए, शायद ये जो जाम है वो खोल दिया जाए। News 24x7 के साथ मैं किशन वर्मा, जुड़े रहिए मेरे साथ। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीछे लास्ट तक जो है जाम की स्थिति बन गई है। क्या लगता है कि आम आदमी इस आंदोलन में कितना साथ है? परेशान हो रहे हैं भाई, ऑटो वाला तो नहीं परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, जो मूलभूत सुविधाएं रुकती है, वो इंसान जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह घर से निकलता है और उसे ये पता चलता है कि आज रास्ता बंद है, उसके कमाने का साधन बंद है, तो उस पर क्या बीतती है? पर क्या ये जो किसानों की लड़ाई है वो आपके हक की लड़ाई नहीं है? हाँ जी, जो किसानों की जो लड़ाई है वो आपकी लड़ाई नहीं है, लेकिन किसान जो है वो पूरे देश का जो अन्नदाता है वो आज परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि हमें उनके साथ होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल किसानों के साथ होना चाहिए। पर जब जब ये क्रांतियां होती है, जब जब आंदोलन चलते हैं, तो कोई ना कोई परेशानियां तो होती होती है। और आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो लास्ट तक एक बड़े ही जाम की जो है वो स्थिति बन चुकी है। मैं यहाँ थोड़ी दूर आज़ाद नगर के अंदर जो एक मोर्चा किसानों ने संभाला, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग दूर तक की जो तस्वीरें हैं वो देखिएगा, यहाँ पे आम जनता कितनी परेशान है। हम बिल्कुल परेशान नहीं है, सही हो रहे और किसानों के साथ हैं। बिल्कुल, आम जनता किसानों के साथ है, यही किसान चाहते हैं, हर एक वर्ग को जो है अपने साथ मिलाना चाहते हैं। आप लोग जुड़े हैं News 24x7 की टीम के साथ और जुड़े रहिए थोड़ी सी और अपडेट देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर ही एक जगह और जो है किसानों ने अपना मोर्चा लगा रखा है और वहाँ से हम लोग देखेंगे, वहाँ से हम लोग जानेंगे कि आम जनता जो है वो किसानों के कितना साथ है। और आज जो किसान आंदोलन चला है, जो भारत बंद का आह्वान था, ये भारत बंद का आह्वान कितना सफल रहा है। मैं किशन वर्मा और आप लोग जुड़े हैं News 24x7 की टीम के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग चलिए शेयर कीजिए, ताकि जो अभी अंतिम क्षण है 4 बजे, जी हाँ 4 बजे का जो अल्टीमेटम दिया था किसानों ने, वो अल्टीमेटम पूरा होने वाला और हम लोग हैं उस सड़क पे, वो जो लघु सचिवालय से होके आज़ाद नगर जाती है, एक ऐसा एरिया जो पिन पॉइंट माना जाता है शहर का, काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ जो थोड़ा सा आगे चल के रणवीर गंगवा जी जो है हमारे सांसद हैं
और हमारे स्पीकर है उनका जो है वो घर पड़ता है, और सड़कें जो यहाँ तक अभी तक सुनसान है, बस इंतजार है लोगों को कि 4 बजे और सब कुछ पहले जैसा हो। यहाँ से बस कुछ ही पलों में हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ सुबह मैंने आप लोगों को मिलाया था कि किसान जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं और अब ठीक 4 जो है वो बचने वाले हैं। और इस दौरान सुबह से लेके अब तक किसानों ने जो मशक्कत की थी उसका क्या हल निकला है? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अभी तक कोई आह्वान नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि 4 बजते ही जो किसान आंदोलन है वो शांत हो जाएगा। जी हाँ, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ये जो इलाका आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो थे किसानों ने जो था अपना मोर्चा लगाया था, सुबह से जो किसान थे यहाँ बैठे थे, लेकिन अब ये जो इलाका है वो बिल्कुल खोल दिया गया है, अब यहाँ पे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो किसान है इन्होंने, संयुक्त किसान जो मोर्चा है उनका जो 4 बजे तक का जो आह्वान था वो पूरा हो गया है और 4 बजने वाले हैं, और ये जो आंदोलन है वो अब भारत बंद जो नारा दिया गया था वो अब किसानों ने इस आंदोलन को पूरा कर दिया है। लेकिन इसकी सफलता कहाँ तक रही, ये आंदोलन कहाँ तक सफल रहा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे जितने भी जो किसान भाई हैं जो सुबह थे अब वो यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 बजे तक का कहा था और ये टाइम जो अब पूरा हो गया है, तो कोई और आदेश आया है अपने किसान मोर्चा भाई? किसान मोर्चे का एक आदेश आया है, हमने पास किया है, वो पास कर देंगे तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि हमने अपील करी है यहाँ के किसान मोर्चे से कि हम राजगुरु मार्केट से किसी दुकान से सौदा नहीं खरीदेंगे। राजगुरु मार्केट, जी हाँ, आज हिसार की नहीं और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जिसके ऑटो मार्केट पास में लगती है, वहाँ का जो व्यापारी बिल्कुल थोड़ा सा आगे चल के, मतलब ऑटो मार्केट के आसपास का जो इलाका है, कहने का मतलब राजगुरु मार्केट का जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने आज दुकानें खुली रखी थी, और किसान भाई जो है वो अपील कर रहे हैं कि कोई भी राजगुरु मार्केट से जो है वो सामान नहीं खरीदेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? अखबार नहीं खरीदेंगे आगे से, अपील करें हम हमारे किसान मोर्चा से दिल्ली वाले पास करें इस चीज को, ताकि हम आगे इस बात को बढ़ाएं। संयुक्त किसान मोर्चा ये से ये अपील की जा रही है, जो किसान है जिन्होंने सुबह से लेके अब तक पूरी शिद्दत के साथ इस आंदोलन में भागीदारी ली है, कि सभी व्यापारियों ने बढ़िया सहयोग दिया है, और कल हम इनका सभी दुकानें बंद थी हमारे, कल से हम धन्यवाद सभी दुकानों। बिल्कुल जी, संयुक्त किसान मोर्चा जो लीडर है इस पूरे आंदोलन का, उसकी तरफ से ये अपील है कि जो किसान है वो दैनिक जागरण, मुझे नहीं पता कि शायद क्या वजह रही होंगी, इनकी वजह हम लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन ये लोग जो है वो उनसे अखबार नहीं खरीदेंगे। अब जो दुकानें जो हैं वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है, 4 बजे का जो वक्त था वो पूरा हो गया। नमस्कार जी। तो आप जो हमारा आज़ाद नगर का व्यापारी वर्ग है उसने किसानों का कितना साथ दिया है? मैं मार्केट का प्रधान होने के नाते आपको ये बताता हूँ कि आपने देखा भी होगा 300 समथिंग हमारे दुकानें हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि किसानों का हम समर्थन कर रहे हैं। तीसरी बार किसानों की कॉल के ऊपर पूरी की पूरी मार्केट 4 बजे तक बंद रही है। तो अभी जैसे सुनने को आया कि राजगुरु मार्केट जो है वहाँ का जो व्यापारी है उन्होंने दुकानें खोली थी, तो क्या ये व्यापारी वर्ग भी राजनीति का शिकार हो रहा है? अब वाका तो पता नहीं, वाका तो वो जाने, हम तो हमारी मार्केट का बता सकते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट जो है व्यापारी भी और कस्टमर भी किसानों से संबंधित हैं, तो वो किसानों की भावना को समझते हैं, बाकी तो वही बताएंगे। बिल्कुल, आज़ाद नगर जो हिसार का मैंने आपको बताया पिन पॉइंट था, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसानों के समर्थन में थे। आप लोग जुड़े हैं News 24x7 आवाज़ आपकी के साथ, और मैं हूँ किशन वर्मा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।